स्वागत है आपका न्यूज बैस्कोप में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। 59 दिनों के सावन की पहली सोमवारी आज देवघर के बाबा धाम में भोलेनाथ के जला अर्पण के लिए उमड़ी कांवरियों की भारी भीड़, बोलबम और हर हर महादेव के जय घोष से बाबा धाम गुंजमय हो चुका है। सावन की पहली सोमवारी के मौके पर विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण करने के लिए आधी रात से ही भोले के भक्त कांवरिये कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। सुरक्षित जलार्पण के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जगह जगह पुलिस के साथ दंडाधिकारी तैनात है। 59 दिनों के सावन की पहली सोमवारी आज है देवघर के बाबा धाम में भोलेनाथ के जलार्पण के लिए उमड़ी कांवरियों की भारी भीड़, बोलबम और हर हर महादेव के जय घोष से बाबा धाम गुंजमय हो चुका। सावन की पहली सोमवारी के मौके पर विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण करने के लिए आधी रात से ही भोले के भक्त कांवरिया कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। सुरक्षित जलार्पण के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जगह जगह पुलिस के साथ दंडाधिकारी तैनात हैं। हमारे सहयोगी देवघर से जुड़ चुके हैं रामाकांत। रामाकांत, सावन का आज पहला सोमवारी है और मंदिर में कैसा दृश्य देखने को मिल रहा है? मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ चुकी है सोमवारी के शुभ वक्त पे और प्रशासन के द्वारा काफी जलार्पण करने में सभी कांवरियों को सभी बिंदुओं पे सभी मद्देनजर रखते हुए जलार्पण सुगम करवा रही है। आज अनुमान 1.5 लाख पूजा करने की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।